मिल जाएंगे जैसे सेटिंग्स है यहां से सेटिंग में जा सकते हो फंडामेंटल वगैरह से आ सकते हो वैसा हां लेकिन ये चीजें वो अलग हम से हाइड कर सकते हो अगर एडिशनल में जाके तो वो चीज अलग है ठीक है बाकी एक और एक पर में आपके पास में ये ऑप्शंस आते हैं एक स्पेसिफिक ऑप्शंस हां जैसे आपके पास में है ठीक है और 8 में क्या होता है 8 में थोड़ी कम ऑप्शन आते हैं ये भी होता है अभी यहां पे स्टार्ट की विंडो आपको दिखाई दे रही है 8 में वो चीज नहीं होती है 8 पर मतलब ये चीज है लेकिन 8 में नहीं है 10 में इसी 10 में खड़ा हो गया आपको अगर किसी ग्रंथ का मार्जिन सॉफ्टवेयर बता दिया आप इससे यहां से यूज कर सकते हो ठीक है तो आपको अब 7 एक्सपी और 10 सब पैकेज हो गया 8 की 10 की स्टोरेज में वैसे ही होगी जैसा आपने अभी दिया 7 की बट थोड़ा जीयूआई चेंज हो जाता है बाकी उसके लिए बाकी तो ओवरलैपिंग कांसेप्ट भी होना चाहिए पार्टीशन के और वो क्लियर है आपके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विंडोज स्विच पे स्टार्ट हो गया सर ये आगे ना ये डैशबोर्ड तो वहां से अभी से रिमूव भी कर सकते हो राइट क्लिक करके वहां से प्लगइन भी कर सकते हो ठीक है हां तो एक बार विंडो 7 चालू होगी सर ये चालू होगी ठीक है तो अभी आपने 7 किए ऊपर आपने 7 को किए 8 आप सर रिस्टार्ट करके ना 7 को बंद कर दो मैं 8 वाली पार्ट को हटवा देता हूं आपसे ठीक है अभी मैं जो आपको बात बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना क्योंकि मैं आपको पार्टीशन डिलीट करना बताऊंगा उसके लिए आप विंडो 7 को ओपन करोगे जिससे मैं 8 के पार्टीशन को हटवा सकता हूं इजीली अच्छा आपने 7 में डाल दिया पार्टीशन आपने दूसरा दिया था हमने ओपन किया तो उसमें दो पार्टीशन बने हैं सर आपने एक बात नोटिस की जब आपने विंडो 8 इंस्टॉल किया था ठीक है हां कमरा तो है ना वो तो है कंप्लीट हो गई
ठीक है, आपसे प्रोसीजर को देखने ना मैं जो बता रहा हूँ अभी आपका रेडी नहीं है, बाकी सब रेडी है। सेवन ओपन हो गया आपका, सेवन की डेस्कटॉप पे कंप्यूटर का आइकन है, आइकन है सर, फॉलो करते रहना मुझे आप, ठीक है। आइकन पे आप क्या करेंगे, पहले एक बार लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और फिर राइट बटन दबाएंगे। ठीक है, एक बार करके दिखा दीजिए। राइट क्लिक करो माय कंप्यूटर पे, राइट क्लिक, उसके बाद में मैनेज का ऑप्शन आएगा आपके पास, मैनेज। अच्छा है सर, आपको करना है कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। डेस्कटॉप का प्रॉब्लम हो रहा है, डेस्कटॉप का आइकन छोटा हो गया तो फिर आइकन छोटा बताया था, कंप्यूटर नहीं है। हां, यहां से कर सकते हो, यहां से भी मैनेज कर मैनेज कर सकते हो, नहीं है शॉर्टकट है, शॉर्टकट में आइकन चेंज कर दो, राइट क्लिक किया मैंने, उस पे मैनेज का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप मैनेज पे क्लिक करोगे, ठीक है, मैनेज पे क्लिक करो, हाँ लेफ्ट से सिलेक्ट होगा, ठीक है, क्लिक करना, मैनेज पे क्लिक करोगे तो आपके पास विंडो ओपन होके आएगी और विंडो के अंदर आपके पास में एक ऑप्शन होगा सिस्टम टूल्स डिस्क मैनेजमेंट, अब उस डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करो, एक बार क्लिक करोगे वो लोड हो जाएगी अपने आप, थोड़ा टाइम लेगा। तो आपके पास में जो ऑप्शन आएंगे वो कुछ इस टाइप से आएंगे, डिस्क के नाम से आएंगे, डिस्क वन, डिस्क जीरो के नाम से या वन के नाम से, लेकिन उस पे देखो यहाँ पे ये भी लिखा होगा रिमूवेबल, जो आपकी रिमूवेबल होती है वो कौन सी होती है, पेन ड्राइव होती है, ठीक है, या फिर